अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स बासमती राइस लिए हैं। आप कोई भी ब्रांड का राइस यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े से मटर हैं, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्ची है, दो गाजर लिए हैं मैंने, ये थोड़ी सी कोथमीर पुदीना है, एक मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची है, ये थोड़ी सी फूल गोभी है। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं आपको जो पसंद हो। 3 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है, एक नींबू का रस है, 1 टीस्पून मैंने शाजीरा लिया है, 3 से 4 लौंग है, 3 से 4 इलायची है, 3 से 4 दालचीनी है, एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, ये थोड़े से काजू है, ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर है, ये 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पर मैं चेक करके डालूँगी, तेल डालूँगी मैं, प्याज को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। ऐड करूँगी गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू, अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी मैं आलू, मटर, शिमला मिर्ची, गोभी, गाजर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें ऐड करूंगी मैं काली मिर्ची पाउडर, नमक, इसमें ऐड करूंगी मैं कोथमीर हरी मिर्ची, पुदीना। मैंने राइस को अच्छे से वॉश करके रखा है, 20 मिनट्स हो गए हैं। डालूंगी मैं चावल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करूंगी नींबू का रस। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। करके मैं 5 मिनट्स तक इसे पकाऊंगी, फिर हम चेक करेंगे। 5 मिनट्स तक मैंने हाई फ्लेम पे इसे पकाया है। देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। और 5 मिनट्स मैं इसे कवर करके दम पे रखूँगी, चेक कर लेंगे। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। देखिए वेजिटेबल पुलाव रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैंने डिश आउट कर लिया है, वेजिटेबल पुलाव रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व कीजिए दही की चटनी या रायते के साथ, ये बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।